उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जहां पर नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रयागराज कौंधियारा थाना क्षेत्र के कैथा गांव में पत्नी को नहीं मिल रहा न्याय। शालू देवी ने अपने ही पति के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है। उनका कहना है कि कुछ दिनों से मेरे ही पति घर से मारपीट करके घर से बाहर कर दिए हैं। मैं अपनी जान बचाकर 8 महीने के मासूम बेटे के साथ अपने मायके में रह रही हूं। एक दिन मेरे पति जाकर मेरे बेटे को जबरदस्ती अपने घर ले गए हैं और उनके कुछ साथी किन्नर समाज सेवी शालू के साथ उनके ससुराल में आए बच्चे को लेने के लिए वहीं पर पति और जेठ देवर के साथ शालू से साथ मारपीट करने लगे और कुछ किन्नर समाज के लोगों ने समझाया बिछाया तो बच्चा वापस दे दिया और अपने साथी के साथ कौंधियारा थाने पर प्रार्थना पत्र दे दिए। इंडिया समाचार से जिला क्राइम रिपोर्टर देवकृष्ण द्विवेदी की खास रिपोर्ट। हमने आज इनके साथ, हम तो बाहरी हैं, किन्नर समाज से हैं सर। हमारा नाम सरिता गुरु है जो कि हमारे मोहिनी भी हैं, हमारे साथ में रोशनी रानी भी हैं, हमारे सोती चेला हैं, ठीक है। हम लोग आए थे क्योंकि एक समाज हम लोग बना के चलते हैं कि कहीं घर टूटे ना घर बनाओ, ठीक है। इसी कारण से आज इनके लोग के साथ जा रहे थे, मुझे संदेश मिला। एक दो बार मैंने इनको समझा दिया, बेटा लड़ाई झगड़ा नहीं, तो हम कहा चलो आज चल के हम समझा देते हैं। साहब हमने गए, जैसे गाड़ी से उतरे, हम उतरे, हमारे चेला जी उतरे, बल्कि हम गेट में थे। इसको हम कहा बेटा तुम लेकर पहले बच्चे को दूध पिला दो। इसका बच्चा छीन लिए, उसके बाद इसके मेरे सामने लड़की को मारने लगे, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। बल्कि हम लोग कहें कि बेटा ऐसे तुम लोग क्यों कर रहे हो, बच्चा उसका दूध पिलाने दो, 18 साल तक बच्चा रह सकता है माँ के पास, उसके बाद आपका बच्चा, आपको छोड़ थोड़ी रहे हो, उसको भगा थोड़ी रहे हो, आज निकल माँ है तो रहेगी वो। तो उसके धमकी देने लगे, फिर हम लोग को भी गाली दिए, तो हमने साफ डर बस कि हम अपनी बेइज्जती क्यों कराए, हमने साथ में सब चेला लेके साथ में चले आए थाने के अंदर। थाने के अंदर आए, हमने अप्लीकेशन दयाशंकर शुक्ला जी के पास मैंने दिया, ठीक है। उन्होंने हमें अनुशासन दिया कि आप थोड़ा 2 मिनट बैठ जाइए, हम सिपाही भेज रहे हैं, सिपाही से मिलते हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं। अब हमारे योगी और मोदी जी से हमारी विनती है कि हमारे ये बिटिया या औरत जो बिटिया संस्कार चल रहा है और हमारे लड़की के ये भरम दूर होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आपने कह दिए हैं कि नारी जात का हर समय सुरक्षा किया जाएगा, इसकी सुरक्षा मिलना चाहिए। हमारे हाथ जोड़ की विनती है सभी अधिकारियों से।